बेटे वीडियो बाद में देखो, लाइक पहले करो, और लाइक नहीं तो कमेंट कर दो 5,000, कोई चक्कर नहीं, अपने को 5,000 टच करना है बस। आप वाकई इंस्पायर मोशन पिक्चर्स हो? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं पाकिस्तान से हूँ। सर्वश्रेष्ठ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स की इस बेहतरीन वीडियो में, और मेरा नाम है इनसाइड एके वाई, और आज हम बातचीत करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी में जो VFX की है उसके बारे में, कि किस तरीके से उन्हें बनाया गया है। मतलब ऐसे तो नहीं कि किस तरीके से उन्हें बनाया गया, लेकिन किस तरीके से उन्हें बनाया जा सकता है। ये ट्यूटोरियल है जिसमें कि हम क्रिएट करने वाले हैं ये वाला इफेक्ट, पहले एक बार देख लीजिए इफेक्ट, फिर मैं बातचीत करूंगा कि इसे बनाया कैसे जाएगा। टेक अ लुक एट द इफेक्ट। तो जैसा कि आपने देखा, एक बेहतरीन इफेक्ट जिसके अंदर की पावर्स को ऐसे ऊपर मारा जा रहा है आसमान की तरफ, और ऊपर एक पोर्टल सा खुलता नजर आ रहा है जिसमें कि बहुत सारे गोले घूम रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हैं, खतरनाक चीजें चल रही हैं। कैसे करना भी बता देते हैं। इस इफेक्ट के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो हम अभी चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, लेट्स गो। सो दोस्तों, आफ्टर्स में आने के बाद सबसे पहले हमें एक न्यू कॉम्पोजिशन को क्रिएट करना है, तो हम एक न्यू कॉम्प क्रिएट करेंगे, और न्यू कॉम्प क्रिएट करने के बाद हम अपनी फुटेज को प्लेस करेंगे कॉम्प के अंदर, और उसके बाद हम मास्किंग की मदद से स्काई रिप्लेस करेंगे। तो हम एक स्काई की फुटेज को लेकर के आएंगे, ये जो भी फुटेजेस हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो फुटेज को हम लेकर के आएंगे आफ्टर्स के अंदर, और स्काई को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसे मास्क करके अपनी मेन फुटेज के ऊपर रखेंगे, और उसे फिर ब्लेंडिंग मोड उसका चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से, और उसे मल्टीप्लाई करने के बाद स्काई रिप्लेस हो चुके। अब समय है थोड़ा सा बैकग्राउंड को कलर करेक्ट करने का, तो कलर करेक्शन करने के लिए हम उस पर लुमेट्री ऐड करेंगे, और लुमेट्री ऐड करने के बाद टेम्परेचर जो है उसे -40 कर देंगे, थोड़ा ब्लू टिंट हम दे रहे हैं, और उसके बाद एक्सपोजर को जो -3 कर देंगे ताकि फुटेज को हम डार्क कर सकें, थोड़ा हम कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, और हाइलाइट्स और शेडोज को भी इंक्रीज करेंगे ताकि फुटेज थोड़ी और ज्यादा कॉन्ट्रास्टी हो जाए और काफी डार्क लगने लगे। इसके बाद हम एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लगाकर ओवरऑल एक ब्लू टिंट देंगे बैकग्राउंड को। उसके बाद हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे अपनी मेन लेयर, जो बैकग्राउंड लेयर उसको डुप्लीकेट करेंगे, और उस पर एक मास्क बनाएंगे पैरों के ऊपर, जिसकी जो एक्सपोजर है उसे हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, मतलब एज कम्पेयर टू जो हमारी लास्ट फुटेज थी जहां हमने -3 रखा था, इसको हम -2 के आसपास या -1.5 के आसपास रखेंगे, जिससे कि हम अपने पैरों के ऊपर एक थोड़ा सा ग्लो रख सकें, जो ऊपर से लाइट आएगी उसका इफेक्ट क्रिएट कर सकें। इसे हम मास्क से क्रिएट कर सकते हैं, पैरों के पास एक मास्क बनाएंगे, और उसके बाद हम फुटेज को ट्रैक कर लेंगे, पॉइंट ट्रैक कर सकते हैं आप जो हमारे आर्टिस्ट के कोई पैर को या किसी भी चीज़ को, जहाँ क्योंकि मोस्टली देखिए एक्टिंग जो करी है वो स्टिल करी हुई है, सब लोग स्टिल खड़े हैं, तो हम ट्रैक कर लेंगे फुटेज को हल्का सा, और उसके बाद जो भी हमारी सेबर की लेयर जो हम अप्लाई करने वाले हैं उसको हम उसी ट्रैक से पेरेंट करेंगे। समझ रहे नवी जोशी, छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ मैं, इनसाइड एक बार। इसके बाद हम एक न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे, और उसके ऊपर सेबर इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। सेबर प्लगइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक फ्री प्लगइन है ये। नेक्स्ट हम एक मास्क क्रिएट करेंगे अपनी लेयर के ऊपर, सेबर वाली लेयर के ऊपर, और उसे उसी शेप में बनाएंगे जिस शेप में हम अपनी लाइट रे को या फिर जो सेबर की जो रे है उसे हम चाहते हैं, और उसके बाद हम सेबर में जाकर अपने कोर को चेंज कर देंगे। कोर के टाइप को हम चेंज करेंगे लेयर मास्क में, तो आपका जो सेबर है वो मास्क को उठाने लगेगा, जैसा मास्क है वैसी शेप में सेबर क्रिएट हो जाएगा। अब कुछ सेटिंग्स हमें करनी है, जो कि है जो एंड साइज है उसे जीरो करना है, और जो हमारा स्टार्टिंग साइज है उसे हम बढ़ा सकते हैं 200% तक कर सकते हैं, और हमारा जो प्रीसेट है सेबर का उसे हम चेंज करके इलेक्ट्रिक कर देंगे, जिससे कि वो बिजली के जैसे लगने लगेगा। किसकी तरह लगने लगेगा? बिजली के जैसे। इसके बाद हम सेबर के डिस्टॉर्शन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने कुछ खेल जाएंगे सो नवी जोशी ने जैसे बोला, हम डिस्टॉर्शन के साथ थोड़ा खेल जाएंगे, थोड़ा खेल जाना भी, खेल जाए उसका थोड़ा, ठीक है। देखिए इस पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार हम कुछ VFX कर रहे थे, तो कोई आया क्लाइंट था, और वो बोला देख करके, यार अखिल इसमें कुछ खेल जा दो, तो उसमें कुछ खेल जा यार। अगर आपको भी ऐसा किसी ने कभी बोला है, VFX आर्टिस्ट जो भी मुझे देख रहे हैं, कभी किसी ने आपको अगर ऐसा बोला कि खेल जाओ इसमें, इसमें कुछ खेल जा, इसमें कुछ खेल जा, तो कमेंट कीजिए इसमें कुछ खेल जा, कमेंट्स में खेल जाओ यार एक लेवल। और यही प्रोसीजर आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सेबर की उस लेयर को डुप्लीकेट कीजिए और मास्क चेंज करते रहिए, बस वो अलग अलग मास्क आएगा, सेबर का कलर चेंज करते रहिए, और आप अपने मास्क को हल्का सा एनिमेट कर सकते हैं, की फ्रेम्स दे सकते हैं मास्क पाथ को, जिससे वो थोड़ा सा मूव करे, और थोड़ा सा और फिनिशिंग टच या थोड़ा सा डिटेल देने के लिए हम उसके अंदर पार्टिकुलर की कुछ लेयर से कुछ पार्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसका ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हैं, पार्टिकुलर का कोर्स अगर आप चाहते हैं, तो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स मैं चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं वो आप जानते हैं, मैं क्या चाहता हूँ मैं जानता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ वो आप भी जानते हैं।
1,00,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, पार्टिकुलर का कोर्स आपके कदमों में आगे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? कदमों में आगे। शोहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेबर से लाइट रेज तो बन चुकी हैं, अब समय है ऊपर वो स्काई में सर्कुलर इफेक्ट बनाने का, वो वर्ल पूल जैसे इफेक्ट बनाने का। कैसे करना है ये तो आउटफिट्स में ही जाके आपको बताता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों, अब समय पार्टिकल्स बनाने का। तो हम एक न्यू कॉम्प क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे। सॉलिड क्रिएट करने के बाद हमें पहले एक पार्टिकल्स के लिए हमें एक एमिटर का सोर्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक सॉलिड लेयर के ऊपर फ्रैक्टल नॉइज ऐड कर चुके हैं और अब हम एक मास्क क्रिएट करेंगे। सो हम मास्क में जाकर इलिप्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट दबाकर एक परफेक्ट सर्कल बनाएंगे। आप कंट्रोल भी दबा सकते हैं अगर आप सेंटर से मास्क बनाना चाहते हैं। और एक सर्कुलर मास्क बनाने के बाद उस मास्क को आप डुप्लीकेट कीजिए और उसे थोड़ा सा छोटा कीजिए, डबल क्लिक करके थोड़ा सा साइज उसका छोटा कीजिए। इसमें भी आप शिफ्ट और कंट्रोल दबा सकते हैं थोड़ा सा उसको साइज छोटा करने के लिए, एग्जैक्टली एक सर्कुलर शेप में। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट जो है मास्क को कन्वर्ट कर दीजिए और अब आपके पास एक सर्कुलर फ्रैक्टल नॉइज आ चुके हैं। फ्रैक्टल नॉइज की कुछ आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, जिसमें कि ब्राइट और डार्क दोनों वैल्यूज उसके अंदर आपको मिल जाए। और इन दोनों मास्क को आप फेदर दे देंगे ताकि जो सर्कल है उसके एजेस फेदर हो जाएं। और इसे हम प्रीकॉम्प कर देंगे और प्रीकॉम्प का नाम हम रखेंगे रिंग। रिंगा रिंगा रोजेज पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। नहीं, जो भी वो वाला लग रहा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। पोशंपा भाई पोशंपा, ये सब हो सुना डाले। देखिए, ये सब बातें टोटल में होती रहती है। इससे देखिए, ये सब बातें टोटल में ज़रूरी हैं, इससे आपको पता चलता है कि हम भी इंसान हैं, हम भी स्कूल गए हैं। ऐसे नहीं कि VFX सीधे आ गया, हम भी अभी बच्चे थे यार। देखो, वही जिंदगी जी है, आगे बढ़ते हैं। सो रिंग बनाने के बाद अब समय है एक पार्टिकुलर की लेयर क्रिएट करने का। सो न्यू कॉम्प में राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम पार्टिकुलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। और पार्टिकुलर अप्लाई करने के बाद हमारा जो एमिटर है हम उसे चेंज करेंगे लेयर पर। और लेयर को सेलेक्ट करने से पहले लेयर को 3D जरूर कर लें, क्योंकि 3D लेयर से ही पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं पार्टिकुलर के अंदर। सो लेयर को हम 3D कर चुके हैं और उसके बाद हम पार्टिकुलर में जाकर लेयर एमिटर में अपने लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पार्टिकल्स निकलने लगे हैं उस लेयर से। लेयर को हम ऑफ कर देंगे, सिर्फ पार्टिकल्स की लेयर को ऑन रखेंगे और आपको सेटिंग्स हमें करनी है वो हम फटाफट कर लेंगे। जैसे कि जो एमिटर का साइज है हम उसे कम कर देंगे, 220 से लेकर 50 के बीच उसे हम रखेंगे। और वेलोसिटी को 2 से 10 के बीच में रखेंगे, रैंडम वेलोसिटी आप 100 के आसपास रख सकते हैं। और अगर आप नीचे जाएंगे तो स्पिन जो है वो 25 से लेकर 40 के आसपास आप स्पिन रखिए और थोड़ी सी टर्बुलेंस ऐड कर दीजिए। और ये सब करने से हमारा जो सर्कल है वो बिल्कुल सीधा है, उसे थोड़ा सा रोटेट तो करना पड़ेगा, एंगल पे तो ले जाना पड़ेगा। और उस एंगल पर ले जाने के लिए हम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज पर जाकर रोटेट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का चेंज कर देंगे। और ये करने के बाद जो हमारी लेयर है वो ऐसे टिल्ट हो चुकी है, प्रॉपर एंगल पर आ चुकी है। और अब हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी पार्टिकुलर की लेयर को। और जो साइज है पार्टिकल्स का वो हम 1, 2, 3 जितना साइज आपको लगता है आपके उसमें सही आ रहा है उसे आप रख सकते हैं। और इसके बाद हम पार्टिकुलर की लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम पार्टिकुलर की लेयर के ऊपर एक इफेक्ट लगा सकते हैं जो कि CC वेक्टर ब्लर, जिससे कि आपके पार्टिकल्स आपस में ब्लर या फिर मर्ज हो जाएंगे और आप अपनी लेयर के साथ एक और लेयर का यूज कर सकते हैं। आप अपनी सभी लेयर्स को ऐड या फिर स्क्रीन मोड पर डाल सकते हैं ताकि वो ग्लो करे जहां पर भी ओवरले हो रही है। आप अपने पार्टिकल्स का मोड भी जो है उसे आप ऐड या फिर स्क्रीन कर सकते हैं ताकि वो भी और ग्लो करें जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं। पार्टिकुलर का पूरा कोर्स अगर चाहते हैं तो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर जाइए theinsideinstitute.com पर और रजिस्टर कीजिए ऐसे खतरनाक VFX सीखने के लिए। और दोस्तों, ये सब करने के बाद अब समय आ चुका है ऐसी बहुत सारी लेयर्स बनाने का। तो हम लेयर्स को डुप्लीकेट करते रहेंगे और उस पर कुछ रैंडम प्रॉपर्टी चेंज करते रहेंगे ताकि नए नए पार्टिकल्स क्रिएट हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ी रिंग से आप पार्टिकल्स निकले तो आपकी जो रिंग वाली लेयर है उसे डुप्लीकेट कीजिए अपनी प्रोजेक्ट में जाकर और वहां से अपनी कॉम्पोजिशन में उसे लेकर के आइए, उसे फिर से 3D कीजिए। और जो नई पार्टिकुलर की लेयर जो आपने डुप्लीकेट की है उसमें अपनी जो लेयर एमिटर है उसे चेंज कर दीजिए। ये वाली लेयर आपकी जो सेकंड लेयर है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और प्रीकॉम के अंदर जाकर आप अपने रिंग को स्केल कर लीजिए या फिर बाहर से भी आप पार्टिकुलर से भी इसको स्केल कर सकते हैं, कर सकते हैं। और स्केल करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हम रिंग्स बना चुके हैं अलग अलग। अब समय इन सबको प्रीकॉम करने का। प्रीकॉम करने के बाद इस पूरी प्रीकॉम का जो ब्लेंडिंग मोड है उसे हम चेंज कर देंगे ऐड या फिर स्क्रीन। बढ़िया लग रहा है, सारा इफेक्ट बढ़िया लग रहा है। लाइंस भी आ चुकी हैं, रेज आ चुकी हैं और ऊपर सर्कुलर जो है साइक्लोन भी बन चुका है पार्टिकल्स का। अब समय है सबसे मेन इफेक्ट इसमें ऐड करने का, जो कि है
ऑप्टिकल फ्लेयर्स जो सभी चीजों को बाइंड कर देगी। ऑप्टिकल फ्लेयर्स दुनिया का नंबर वन इफेक्ट। तो हम एक न्यू सॉलिड लेयर लेकर उस पर ऑप्टिकल फ्लेयर्स अप्लाई करेंगे और ऑप्टिकल फ्लेयर्स में आप एस्पेक्ट रेशियो जाकर अंदर थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं और बाकी सारी जो सेटिंग उसे डिलीट कर दीजिए। सिर्फ एक सर्कुलर नॉर्मल ग्लो रखिए ऑप्टिकल फ्लेयर्स में और एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर दीजिए और नीचे जाकर ऑप्टिकल फ्लेयर्स की सेटिंग्स में इसे ब्लैक से ट्रांसपेरेंट पर चेंज कर दीजिए और सेटिंग्स आप थोड़ी सी चेंज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू जो भी आपके प्रोजेक्ट में आपको सही लग रही है। ब्राइटनेस और स्केल की वैल्यू बस आपको चेंज करनी है जिसमें कि वो ज़्यादा भी ना लगे कम भी ना लगे बढ़िया लगे यार। और ये सब करने के बाद ये देखिए एक बेहतरीन इफेक्ट आपके सामने है। खतरनाक लेवल। इट्स डन ब्रो, इट्स डन मैन, कम ऑन मैन। सो जैसा कि आपने देखा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल इफेक्ट बड़े ही आसानी से कर लेगा सेबर और पार्टिकुलर की मदद से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आपको इसे करने की जरूरत नहीं है, सभी स्टॉक फुटेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को उसे डाउनलोड कीजिए और इस इफेक्ट को क्रिएट कीजिए और क्रिएट करने के बाद हमें टैग कीजिए इनसाइड मोशन पिक्चर्स द इनसाइड इंस्टीट्यूट। सबसे बढ़िया वीडियो जो हमें लगेगी उसे मैं अपनी अगली वीडियो अगले ट्यूटोरियल के अंदर शेयर जरूर करूंगा और एक शाउट आउट दूंगा उसे खतरनाक नेक्स्ट लेवल बंदे को। लेकिन टैग करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के और VFX के ट्यूटोरियल्स देखना तो इस वीडियो पर 5000 कमेंट्स और 1000 लाइक्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे बेहतरीन ट्यूटोरियल्स के लिए VFX रगों रग में बसा है इनसाइड मोशन पिक्चर्स के। एलिमेंट 3D ट्यूटोरियल्स भी रस्ते में है। अभी मैं पूरा कोर्स बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें डिटेल में बना रहा हूँ तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। क्या पता जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा पैक बन चुका हो, कोर्स बन चुका हो, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं बना है तो थोड़ा इंतज़ार करो, रुको जरा, सबर करो। ब्लूपर्स की शुरुआत होती हुई दोस्तों, ब्लूपर्स देख लो दोस्तों। छींक ले साले छींक, बीच में छींक रहा था। कानू रोकी बैठा छींकी चल अच्छी अच्छी अच्छू अच्छी एक्शन एक्शन नॉनसेंस। मैं एक्शन वीडियो चलती नहीं आजकल, लोग जो है वो मसाला ढूंढ रहे हैं, ट्यूटोरियल में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। उनको चाहिए कुछ नमक छिड़क दो, कुछ मिर्ची छिड़क दो, कुछ गरम मसाला ही डाल दो। कर्णपाल वहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे किसी बंदे में ईगो नहीं है मेरे अलावा। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या मेरे अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, क्या मैं एक बुरा इंसान हो गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नवी जोशी इन्हें बताओ ये इफेक्ट करना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल, काय का मुश्किल है, दो मिनट में कर लिया हमने, बकवास कर रहा काय मुश्किल है, ऐसे बोलना कि आसान है, झूठ बोल रहा है। आसान है अभी कहाँ आसान था, इतनी मेहनत लग गई हमारी इसमें, मतलब ठीक था, मुश्किल था हो जाएगा काफ़ी। ओह अच्छा, वो वाला डायलॉग है, बताना जरा। देखो दोस्तों कभी भी अगर आपको कोई बोले कि क्या इफेक्ट हो सकता है तो उसे क्या बोलना, अभी आपको बताएंगे क्या इफेक्ट हो सकता है। मुश्किल है, हो जाएगा, पैसे लगेंगे। बहुत ही लालची किस्म का भी है वैसे आर्टिस्ट है यार, बोल रहा है मुश्किल है, हो जाएगा, थोड़े पैसे लगेंगे, बोल रहा थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। कर्णपाल और ज़्यादा लालची है, बीच में बोल रहा कि ज़्यादा लगेंगे। देखिए आपको लगता होगा कि वीडियो सिर्फ मैं बना रहा हूँ, बहुत लोगों का हाथ रहता है इस वीडियो में। सो अगर आप ब्रह्मास्त्र मूवी के और VFX के बारे में सीखना चाहते हैं कि उन्हें कैसे किया गया और ट्यूटोरियल्स आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, 5000 लाइक्स इस वीडियो पर को देख रही यार, 5000 लाइक्स ही तो बोला, चांद थोड़ी मांग ली। मैं नीचे देख फोन, जैसे मैंने बोला ना 5000 लाइक्स, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, 5000 लाइक्स ही तो बोला है, नहीं आ सकते क्या, कुछ गलत मांग लिया क्या है वीरिंदर से, यहाँ क्या हो गया, करेंगे लड़के 5000 के 10000 तक कर देंगे ही। अरे दिल से प्यार करते हैं बेटे, वीडियो बाद में देखो, लाइक पहले करो, और लाइक नहीं तो कमेंट कर दो 5000, कोई चक्कर नहीं, अपने को 5000 टच करना बस, व्यूज़ नहीं, या तो लाइक्स या फिर कमेंट्स। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो मुझे अपना दोस्त कहते हैं, अपना भाई कहते हैं, लेकिन मेरी वीडियो शेयर नहीं करते, लानत है तुम पर, नॉनसेंस। थैंक यू नवी जोशी मेरा साथ देने के लिए इस वीडियो में, इन्हें बोल दीजिए कि मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मेरा नाम इनसाइड AK, बाय, टेक केयर, बाय बाय। हाँ सर को नहीं बोला था नवी जोशी का, लॉस्ट खेल रहा, उसमें भी खेल जा रहा कुछ। Finish, but turtle is done, man. Come on, man. The turtle is done. चलें, ठीक है, goodbye.